इस वीडियो में मैं आपको अपैरल इंडस्ट्री के इतिहास के बारे में ब्रीफ जानकारी देना चाहती हूँ कि किस तरीके से सिंगल गारमेंट प्रोडक्शन से मास प्रोडक्शन की तरफ ये इंडस्ट्री बढ़ी है। 1900 शताब्दी के मध्य से अगर पहले हम देखें तो सिलाई का काम वही लोग करते थे जिनको इसकी हॉबी थी, जो इसको एज अ प्रोफेशन लेना चाहते थे, उन्होंने टेलर्स की तरह काम करना शुरू कर दिया था समाज में, और लोग अपना कपड़ा और डिज़ाइन लेकर जाते थे, उनके पास मेजरमेंट्स देते थे और वो उनके एक या दो वस्त्र जैसे उनकी रिक्वायरमेंट होती थी सिल देते थे। धीरे धीरे हम देखते हैं कि कुछ टेलर्स जो इस तरीके से काम करते हैं वो एक साथ आते हैं और वो इस डिमांड को पूरा करने के लिए एक इस तरीके की फैक्ट्री खोलते हैं जहाँ पर हम ऐसे कपड़े बनाते हैं जिनमें फिटिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो उदाहरण के लिए अगर हम ले लें, जेंट्स शर्ट्स हैं और लेडीज़ शर्ट्स हैं जो जीन्स और टॉप्स स्कर्ट्स के ऊपर पहने जाते हैं टॉप्स, उनको उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे 1900 शताब्दी के अंत तक आते आते हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क अकेले में ही 18,000 लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, वर्किंग कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं थी, छोटी छोटी जगहों में लोग जो हैं काम करते थे, बहुत अनहाइजीनिक थी, अनहेल्दी थी। और एक 1911 में एक हादसा होता है न्यूयॉर्क में, वो एक तरीके से इस इंडस्ट्री के लिए एक लैंडमार्क भी है क्योंकि इसके बाद इंडस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इस हादसे को हम लोग ट्रायंगल शर्टवेयर हादसा कहते हैं, जिसमें 146 वर्कर्स की डेथ हो गई थी क्योंकि इंडस्ट्री में आग लग गई थी और वो वहाँ से निकल नहीं पाए। इस हादसे के बाद सरकार की नज़र इस इंडस्ट्री पर पहुंचाती है और वो इस पर रिव्यू करती है कि कितने सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, किस कंडीशंस में काम करते हैं। तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं जिसके दायरे में इस इंडस्ट्री को काम करना पड़ता है और ये और ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड हो जाती है और एक बेहतर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडस्ट्री की तरफ मूव करती है। इधर यूरोप में हम देखते हैं कि जो लोग डिज़ाइनर्स थे, बड़े बड़े डिज़ाइनर्स थे, वो अभी भी सिर्फ इंडिविजुअल डिज़ाइंस और बड़े बड़े लोगों के, क्योंकि महंगे कपड़े बनते थे, कुछ ही लोग अफोर्ड कर पाते थे, उनके लिए एक्सक्लूसिव डिज़ाइंस और एक्सक्लूसिव स्टफ़ बनाया करते थे। जब वर्ल्ड वॉर्स होती हैं, World War I और World War II, तो फैशन इंडस्ट्री को एक अलग सा प्रोत्साहन मिलता है। बड़ी अजीब सी बात लगती है कि लड़ाई के दौर में एक इंडस्ट्री को प्रोत्साहन मिले, क्योंकि जितने भी देश थे जो लड़ रहे थे उनको अपने सोल्जर्स के लिए यूनिफॉर्म्स चाहिए थी, तो वो जो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर था उसने ये यूनिफॉर्म्स एक समयबद्ध समय में उन्होंने इसको बनाकर सोल्जर्स को पहुंचाए। तो इस इंडस्ट्री को भी समझ में आया कि हमारे पास बड़े अगर ऑर्डर्स आएंगे और हमें गारमेंट स्टिच करने होंगे तो हमें एक समय से इन चीज़ों को डिलीवर करना है, तो हमें कैसे काम करना होगा। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, स्टडी करते हैं हिस्ट्री को, तो 1900 शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के शुरू में एक मूवमेंट्स बहुत सारे चलते हैं, जिसमें एक विमेंस मूवमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट मूवमेंट था, जिसमें लोगों ने ये त्याग दिया था डूज एंड डोंट्स अबाउट व्हाट टू वेयर, कि हम क्या पहने हम क्या नहीं पहने। एंड विमेंस लिंब का तो एक सिंबल भी अगर आप देखें तो वो एक साइकिल था, एक लड़की जो शॉर्ट स्कर्ट और टॉप पहने विद अ हैट, मतलब बिल्कुल ही वर्किंग कल्चर जो है वो आ गया था। जितनी फ्लोइंग ड्रेसेस थी विक्टोरियन पीरियड की, वो सब लोगों ने त्याग दी थी। तो ये एक चेंज कल्चरल जो आता है उससे फैशन इंडस्ट्री एडजस्ट करना शुरू करती है और नए नए चीज़ें इसमें सामने आने लगती हैं। इसी समय फ्रांस के एक डिज़ाइनर थे पॉल पोरेट, उन्होंने 1911 में कहा था कि जो हमारे पूर्वज और हमारे दादा दादी जो हैं इसको एक एज अ हॉबी अपनाते थे, ड्रेसिंग स्टाइल को एक हॉबी समझते थे, वो आज एक साइंस बन गया है। साइंस इसलिए क्योंकि इंडस्ट्री में जब मास स्केल में प्रोडक्शन होता है तो उसको एक बहुत साइंटिफिक तरीके से होना होता है, बिकॉज बहुत सारे ओवरहेड्स होते हैं, बहुत सारी हिडन कॉस्ट होती हैं जिसको हमें ओवरकम करनी होती है, और इंडस्ट्री तो तभी चल पाएगी जब उसमें प्रॉफिट होगा। एक और चीज़ यहाँ पर होती है कि जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लोग जाते हैं, जैसे अमेरिका में बहुत सारे लोग यूरोप से आए, इटालियंस बहुत सारे आए, ज्यूइश बहुत सारे लोग आए, तो वो अपने साथ अपने कल्चर की विधियाँ, अपने कल्चर की क्राफ्ट लेकर आए।
जो उन्होंने यहाँ पर अमेरिकन्स को सिखाया बताया, तो वो इंडस्ट्री में अडॉप्ट हो गई। उसके वजह से नए नए डिज़ाइन हमें देखने को मिले। अगर हम 19वीं शताब्दी की 20th सेंचुरी की शुरू की बात करें तो फैशन इंडस्ट्री थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री थी ऑयल और स्टील के बाद अमेरिका में। तो आप इसका स्कोप उसी समय से समझ सकते हैं कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री रही होगी और इसने धीरे धीरे किस तरीके से इवॉल्व किया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण था जिसने इस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ाने में मदद किया। पहले हाथ से सिलते थे, फिर सिंगल मशीन नीडल मशीन से सिलने लगे, फिर ट्विन नीडल मशीन से सिलने लगे, फिर इंटरलॉकिंग के लिए अलग मशीन आ गई, बटन होल बटन स्टिचिंग के लिए अलग मशीन आने लगी। तो हर एक जो कार्य था जो हाथ से हम करते थे वो मैकेनाइज्ड होने लगा। और जब शुरू में यहाँ पर मार्केट में वस्त्र जाते थे तो इनकी कैटेगरीज बड़ी सिंपल हुआ करती थी अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट। एक बिल्कुल लो लेवल मॉडरेट चीप कपड़े हुआ करते थे, फिर एक सेकंड बेटर क्वालिटी हुआ करता था, फिर एक मिडिल क्लास के लिए हुआ करता था, और फिर एक हाई फैशन हुआ करता था। उसके अलावा जो मेन वेमेन चिल्ड्रन के जो गारमेंट्स होते थे वो अलग अलग होते थे। तो चेंज जो है वो इस इंडस्ट्री का एक बहुत अहम पहलू रहा है, बल्कि फैशन को हम चेंज ही कहते हैं। और इसके बारे में 1911 में या 1913 में शायद एक विमेंस वेयर डेली थी जिसने अपने एक कमेंट लिखा था अपने एक इशू में, और कहा था कि भगवान जो इंसान है उसने जितने भी फील्ड्स अपनाई हैं उस उन फील्ड्स में किसी भी फील्ड में इतनी जल्दी चेंज नहीं आता जितनी जल्दी महिलाओं के वस्त्रों को पहनने में आता है। और जाहिर सी बात है वो चेंज इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इंडस्ट्री जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट मर्केंडाइजिंग सिस्टम्स को अडॉप्ट करती है। पर इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के चक्कर में और प्रोडक्शन को पूरा करने के चक्कर में कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री की जो बेसिक यूएसपी थी जिसको मैं कहूँगी, जो जो इसकी खूबी थी, वो इसका जो क्राफ्ट था वो कहीं ना कहीं लुप्त हो गया है। क्योंकि जो हाथ के काम का और जो जो ओरिजिनलिटी होती है वो कहीं ना कहीं मास प्रोडक्शन में खो जाती है। तो ये थोड़ा सा एक ब्रीफ है कि हम कैसे इंडिविजुअल गारमेंट से मास प्रोडक्शन की तरफ बढ़ते चले गए। थैंक यू सो मच।